गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं, मैं खेल रहा हूं हमारे दोस्त और होस्ट चॉप के साथ ट्रेल मेकर्स। और गाइस आज की इस वीडियो में ना हम लोग चैलेंज रखने वाले हैं कि कौन बनाता है सबसे जबरदस्त गाड़ी। ठीक है, गाड़ी बनाने वाला गेम है यार। कुछ भी बना सकते हैं इसमें, रॉकेट्स बना सकते हैं, शिप बना सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेटिंग व्हीकल्स बना सकते, ट्रांसफॉर्मेटिंग अरे पता नहीं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन वाली गाड़ियां बना सकते, कुछ भी बना सकते हैं भाई। और गाइस आज का चैलेंज हम दोनों के लिए ये है कि हमें एक ऐसी गाड़ी बनानी है ना जो मस्त रोड पे चल सके बिना टूटे फूटे। और इसे करने के लिए हम दोनों के पास है 10 से 15 मिनट। ठीक है छोटे भाई, अरे इतना कम समय में कैसे होगा भाई? अबे हो जाएगा छोटे, तू अपना गाड़ी बना। और बाय द वे गाइस, मैं आप लोगों को एक प्रोटोटाइप मॉडल दिखा देता हूँ जो मैंने रेडी रखा है। सो गाइस ये देखो, ये है वो प्रोटोटाइप मॉडल। एक सेकंड, उतारने में थोड़ा टूट गया लेकिन कोई बात नहीं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये प्रोटोटाइप है भाई। छोटे भाई मैं इसको यूज नहीं कर सकता क्या? अरे भाई इसको नहीं यूज कर सकता, ये प्रोटोटाइप है। अपन लोग इसको बस ऐसे दिखाने के लिए कि हम लोगों को कैसी गाड़ी बनानी है वो इसीलिए मैंने रखा है। ठीक है, सैंपल गाड़ी है ये, यही गाड़ी नहीं बनाती हो तू, कुछ अच्छा बनाना है समझ गया? सो गाइस मैं 3-4 फैक्टर्स पे रेट करने वाला हूं। पहला फैक्टर ये होगा कि आपकी गाड़ी कितना ज्यादा तेज चलती है, दूसरा फैक्टर होगा कि आपकी गाड़ी कितना ज्यादा मजबूत है, तीसरा एक्सेलरेशन, चौथा कंट्रोल और पांचवा पता नहीं, मैं बहुत सारे फैक्टर्स बोल रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो एनीवेज गाइस मैं और चॉप जो है फटाफट से यहां पर शुरू करते हैं कार बिल्डिंग चैलेंज और उसके बाद मिलता हूं आप सभी से। हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है, 10 से 15 मिनट है। और बाय द वे एक सेकंड रुको यार, इससे पहले मैं गाड़ी बनाना शुरू करूं ना, मेरे पास एक आइडिया आया है। चॉप आजा भाई, अपन दोनों थोड़ा रेस करके टेस्ट कर लेते हैं कि हम लोगों को इस गाड़ी का अच्छा से अंदाजा है भी या नहीं। और बाय द वे गाइस मैं एक और चीज बता दूं, इस गाड़ी में ना मैंने बूस्टर्स भी फिट कर दिए है। चॉप वाले वर्जन में बूस्टर्स नहीं है इसलिए उसकी गाड़ी थोड़ी स्लो जा रही है, लेकिन मेरे वाले में बूस्टर्स लगे, आप लोग देख सकते हो दो बूस्टर है भाई पीछे। आजा चॉप तेरे को बूस्टर्स देखने मेरे। ऑलराइट फ्रॉस्टी भाई लेट्स गो ब्रो। ऑलराइट लेट्स गो गाइस, मैं आप लोगों को अपने बूस्टर्स दिखाता हूं। ये देखो कितने ऑसम बूस्टर्स है। ओके हट जा सामने से, जंप करने दे एंड बैम, देखा देखा कितना डोप गाड़ी है। तो हम लोगों को एक ऐसी गाड़ी बनानी है जो इजीली इस आग के बीच से जंप कर सके। अगर नहीं कर पाई तो वेल वो पांचवा क्राइटेरिया जो मैं बोल रहा था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अभी जल्दी से हम लोग यार कार बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूं। ऑलराइट गाइस यहां पर हम लोगों का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मेरे को जल्दी से कुछ ना कुछ बनाना है। मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को भी दिखा दूं मैं क्या बना रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक 2x4 का ब्लॉक, ठीक है, ऐसे आप लोग भी समझ जाओ यार, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप लोग भी ये गेम खेलोगे तो आप लोग को आइडिया पड़ जाएगा। उसके बाद एक सिंपल सा सीट लगाना, आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मेरे को सीट के बाद ना यार मेक श्योर करना है कि हम लोग जो है इंजन वगैरह भी लगा सके, लेकिन हम लोगों को यार 2-3 ब्लॉक्स की और जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली यार एक छोटा सा फ्रेम में थोड़ी गाड़ी बनने वाली है। तो मैं कुछ ऐसा डिजाइन सोच रहा हूं ना गाइस जिसको देख के सबके होश उड़ जाए, और इनफैक्ट वो छोटा हो, कॉम्पैक्ट हो, लेकिन बहुत ज्यादा तेज चले, एकदम लेगो टाइप है यार ये गेम, बहुत मजा आता है। छोटे छोटे पीसेस को एक दूसरे से अटैच करते जाना है। अपन लोग बच्चे में नहीं खेलते थे लेगोज, एकदम वैसे ही है गाइस। आई डोंट नो आप लोगों ने लेगो खेला है कि नहीं, मैंने मैकेनिक खेला था बचपन में, एकदम वैसे ही हो। ये देखो अभी हम लोग इंजन चूज करके लगा सकते हैं। यहां पर से मैं चूज करूंगा यार थोड़ा सस्ता वाला इंजन, क्योंकि देखो जितना भारी इंजन लगाओगे ना आप उतना ज्यादा गाड़ी भारी होते जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये मैं लगाऊं कहां, एक काम करता हूं हम लोग आगे 2 इंजन लगा देते हैं, भाई गजब पावर आएगी। नहीं 2 भी काफी नहीं है यार, मैं सोच रहा हूं रुको ब्लॉक्स लगा के हम लोग 3 इंजन लगा देते हैं, फिर एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। कौन सा ब्लॉक लगाऊं मैं? आई गेस हम लोग को ये वाला लगा देना चाहिए। रुको इसको थोड़ा नीचे करके लगाना होगा यार, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। एक सेकंड इसको रोटेट करते हैं और लगाते हैं नीचे, लेगो थोड़ा पीछे खींचना है। ओके गाइस आप लोग देख सकते हो हम लोगों का फ्रेम जो है ना कार का वो धीरे धीरे यार अब सामने आ रहा है। ऑब्वियसली मैं आपको पूरा गाड़ी तो नहीं दिखाऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट में आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन मैं बस चाहता था कि जो लोग इस गेम को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको यार कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा समझा दूं कि कैसे क्या करना है। चॉप भी अपनी गाड़ी उधर बना रहा है, आई डोंट थिंक उसकी गाड़ी उतनी अच्छी बनने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं यार। अभी हम लोग जो है यहां पर और ब्लॉक्स प्लेस करते हैं गाइस और मेक श्योर करते हैं कि हम लोगों की गाड़ी फिनिश हो जाए। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस हम लोगों का टाइम खत्म हो चुका है, और चॉप क्या तू तैयार है ब्रो? भाई मेरी गाड़ी देख के आप चौंक जाओगे भाई। ऑलराइट देखते किसकी गाड़ी अच्छी है और मेरे को धक्का क्यों दे रहा है तू? फ्रॉस्ट भाई जाओ ना अपनी गाड़ी लेके आओ ना ब्रो। ऑलराइट गाइस पहले मैं गाड़ी लाता हूं उसके बाद चॉप लाएगा, एंड देन वी विल सी यू। रेडी हो जाओ भाई, मैंने इतनी जबरदस्त चीज बनाई है ना, देख के आपके होश उड़ जाएंगे। फ्रॉस्ट भाई मेरा सामान ज्यादा बेटर है ब्रो। अच्छा अच्छा ठीक है, वो तो वक्त ही बनाएगा यार, मेरे से दूर रह, समझ गया, मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी लाने। ऑलराइट मैं आप सभी के सामने पेश करता हूं द अल्टीमेट नूब किलर। जी हां मैंने इस गाड़ी का नाम नूब किलर रखा है, क्योंकि मेरे को चॉप जैसे नूबड़ों को मारना इस गाड़ी को यूज करके। अरे फ्रॉस्टी भाई क्या कबाड़ बना दिया भाई आपने। अरे कबाड़ बोलता है भाई, दिख रहा है इसमें 3-3 इंजन फिट किए इसके अंदर भाई, बुलडॉग इंजन लगाया मैंने, पावर यार एकदम इसके अंदर ठूस ठूस के भरी हुई है, तो देख तो चला करके। ऑलराइट फ्रॉस्टी भाई देखने में तो ठीक ठाक लग रही है भाई, मेरे को भी एक पीस दो ना चलाने के लिए। अबे तेरे को अच्छा रुके, काम कर मैं नया स्पॉन कर देता हूं गाइस इसके लिए। ऑलराइट चॉप लेट्स गो, अब तेरे को भी एक गाड़ी मिल चुकी है, मेरे को भी मिल चुकी है, चला के तेरे को कैसा लग रहा है? फ्रॉस्टी भाई स्पीड तो बहुत सही है यार, बहुत सारे बूस्टर फिट कर दिया भाई आपने इस गाड़ी के अंदर, तो
बहुत ज्यादा तेज जा रही है, अरे फ्रंट बाइक कंट्रोल करो, मर जाओगे यार। अरे कोई नहीं यार, अपन लोग आर दबा के फिर से रिस्पॉन कर सकते हैं। और गाइस बाय द वे सच बता रहा हूं, ये गाड़ी काफी ज्यादा मतलब मेरे सोच को ना यार, मेरे सोच से ऊपर चली गई। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जबरदस्त गाड़ी बन जाएगी। आई मीन यू कैन सी हम लोग कितना तेज जा रहे हैं भाई, मेरे को बहुत मजा आया। ओए उड़ने लग गया मैं, शिट इतना ऊंचाई पे कैसे आ गया ये क्या हो गया? अरे चौप देखा तूने? फ्रॉस्टी भाई मैं पानी में चला गया भाई, मेरे को एक और गाड़ी दो ना ब्रो। अरे यार तू पानी में क्यों चला गया? अभी तो वीडियो शुरू किया था अपन लोग ने। अच्छा रुक मैं 2 मिनट में दे रहा हूँ, पहले हम लोग करते हैं जंप। एंड एज यू कैन सी हमारी गाड़ी जो है उस आग के सर्कल के पीछे से आराम से निकल जाती है गाइस। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा लैंडिंग में फूट फाट जाती है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों की गाड़ी को ना ड्राइविंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और ये चौप ये ले मेरी गाड़ी ले तू। ऑलराइट गाइस, चौप को मैंने अपनी कार दे दी है क्योंकि उसने अपनी वाली फोड़ दी थी, और इस बार ठीक से चलाइयो भाई, बार बार नहीं देते रहूंगा मैं। अरे फ्रॉस्टी भाई ये तो सच्चे में जंप कर जाती है भाई, आग के बीच से मजा आ गया भाई चला के, सच बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी के सामने तो यार ये कुछ भी नहीं है वैसे। अच्छा तूने इससे भी अच्छी गाड़ी बनाई है। ऑलराइट गाइस, मेरे को तो ना इसके मतलब दाल में कुछ काला लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम लोग अभी इग्नोर मारते हैं और अपन लोग चलते हैं पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि यार देखो थोड़ा सा ड्राइविंग टेस्ट करना जरूरी है इस गाड़ी का। ओए आराम से आ भाई, ठोक देगा क्या मेरी गाड़ी को? फ्रॉस्टी भाई मैं आराम से ही आ रहा हूं ब्रो। ऑलराइट फॉलो मी ब्रो, और हम लोग देखते हैं कि क्या मैं पहाड़ों के ऊपर जा सकता हूं या फिर नहीं, या ये गाड़ी हम लोगों को धोखा दे देगी। क्योंकि यार देखो एक गाड़ी का पॉइंट ही ये होता है कि जब तक तुम उसे रोड पे ना चलाओ ना मजा नहीं आता। और आप लोग देख सकते हो कि टॉप स्पीड, कंट्रोल, एक्सेलरेशन सब एकदम झकास है। ओए बेब्लेड के जैसे क्यों नाचने लग गया था मैं? चलो गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ये है ना कि ये थोड़ा भारी है, तो हम लोग को यार इसमें काफी हैवी बूस्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ा है। लाइक 3-3 बूस्टर्स लगाए मैंने, आप लोग देख सकते हो। लेकिन उससे क्या होता है ना कि गाड़ी का जो वेट है बहुत ही ज्यादा खूबसूरती के साथ बैलेंस होता है, और गाड़ी यार इधर उधर पलटती नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को परफेक्ट बैलेंस मिलता है। और आप लोग देख सकते हो मैं किस बैलेंस की बात कर रहा हूँ। अरे भाई कुछ ज्यादा ऊपर नहीं उछल गया तू? फ्रॉस्टी भाई यार आपके वजह से मेरी गाड़ी फिर से फूट गई। अब यार रिस्पॉन कर लेना भाई यार, तो बाकी गजब आदमी है, हट मेरे सामने से, तेरी हुई कि नहीं रिस्पॉन? फ्रॉस्टी भाई मैं आपकी लेके चला जाऊंगा। गाइस ये हमेशा मेरी गाड़ी ले लेता है, बार बार फोड़ देता है, फिर बोलता है मेरे को दूसरी गाड़ी दो। बट एनीवेज हम लोगों का टेस्ट अब सक्सेसफुल हो गया है। और बाय द वे हम लोग फ्यूचर चैलेंजेस भी इसी एरिया में करने वाले हैं चॉप, इसलिए ये लोकेशन याद कर लेना ठीक है। और गाइस इस गेम का अगर आपको पार्ट 2 चाहिए ना, तो मेरे को अभी के अभी 50,000 लाइक्स कर दो इस वीडियो पे, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में बहुत कुछ करने वाले हम लोग। ऐसी यार प्लेन बनाएंगे जो हवा में उड़ सकती है, टैंक्स बनाएंगे, रॉकेट्स बनाएंगे, भाई जो बोलोगे सब बनाएंगे, मॉन्स्टर ट्रक, बोट, लिटरली हर एक चीज, सबमरीन तक यार, मतलब इस गेम के अंदर आप कुछ भी बना सकते हो, ट्रांसफॉर्मर्स भी बना सकते हो भाई, कितना एपिक है ना मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो इसीलिए रेडी हो जाओ। ओए अबे आराम से भाई, गिरेगा क्या पानी में? ये यार बहुत पागलों के जैसे चला रहा है भाई, इसके आसपास में अबे गिर ही गया। देखा बोला तो गिर जाएगा, आते रहिए चोमू। ऑलराइट गाइस, जब तक चौप पहुंचता है पैदल, हम लोग यहां पर से जाते हैं और इसका इंतजार करते हैं। ऑस्टे भाई यार मेरे, रुक जा रहा भाई, अभी रेटिंग नहीं दिया मैंने आपको। ऑलराइट गाइस, चौप हम लोगों को आके रेटिंग देगा और उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे किसकी गाड़ी बेटर है। तो यहां पे मैं पार्क कर देता हूं गाड़ी, और चौप का शांति से अपन लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि यार उसको आने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। फ्रॉस्टी भाई यार आपकी गाड़ी को ना भाई मैं लुक्स के लिए दूंगा यार 6 नंबर, और टॉप स्पीड भाई 8 दूंगा मैं ठीक है। और उसके बाद यार एक्सेलरेशन आपकी गाड़ी की बहुत सही लगी भाई मेरे को, तो उसके लिए मैं आपको दूंगा 7। और यार ड्यूरेबिलिटी यानी कि मजबूती भाई अच्छी खासी थी, लेकिन फिर भी बार बार टूट जाती है यार। अबे क्या करूं भाई मैं, मेरी गलती थोड़ी है ये टूट जाती है। चलो कोई नहीं फ्रॉस्टी भाई, उसके लिए मैं आपको 6 दूंगा। तो यानी कि टोटल पॉइंट आता है गाइस हमारा 40 में से 27। कोई बात नहीं छोटे, तेरा भी समय आएगा, उस समय मैं तेरे को दूंगा। यकीन नहीं होता भाई इसने कितना कम रेटिंग दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, अब टाइम है चॉप की गाड़ी का, और फटाफट से मैं उसकी गाड़ी बुलाता हूं, एंड वी विल सी कि क्या उसकी गाड़ी हमसे बेटर है या फिर वो ऐसे ही झूठ बोलता है। लेट्स गो। ओके सो गाइस, अब टाइम है चॉप की गाड़ी की। अरे भाई ये क्या बना दिया इसने? चॉप ये तेरी गाड़ी है ब्रो? फ्रॉस्टी भाई देखा कितना तगड़ा गाड़ी बना दिया मैंने, आप ये वाली लो मैं अपना स्पॉन करता हूं। ओ भाई ये क्या बना दिया इसने? भाई ये तो बहुत सही चल रही है। अबे मैंने तो यार इसको चोमू समझा था भाई, सच सच बताइए तूने बनाया है या तूने चीटिंग किया? ये स्टीम वर्कशॉप से उठाया है ना तूने? फ्रॉस्टी भाई यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, मेरे पे ब्लेम मत मारो, मेरे से नहीं बना यार गाड़ी, कोई बात नहीं भाई, आप ऐसे ब्लेम मत करो यार। अबे लेकिन ये चीटिंग है ब्रो, हम लोगों को गाड़ी यार अपनी बनानी थी, ये क्या उठा लिया? गाइस इसने ना ये वाली गाड़ी स्टीम वर्कशॉप से उठाई है, और आप लोगों को तो पता ही है, आई मीन जिन लोगों को नहीं पता, स्टीम वर्कशॉप से आप किसी और का क्रिएशन उठा सकते हो, तो किसी बंदे ने बनाया होगा और चौप ने यार उसका गाड़ी कॉपी कर लिया और उसे
रेड पेंट कर दिया। भाई देख मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा भाई, तेरे को गाड़ी बनाने बोला था मैंने यार। छोटे भाई देखो भाई आपसे अच्छी लग रही है ना, बस बात वही खत्म हो जाता है। अरे भाई ऐसे तो मैं भी उठा सकता था यार। यार तू ओरिजिनल क्या बनाया सच बता। छोटे भाई अगर आप ये गाड़ी पसंद नहीं आ रही भाई तो मैंने अपना वर्जन बनाया है भाई, लेकिन वो आपको पसंद पक्का नहीं आएगा ब्रो। अरे कोई नहीं यार, अपन लोग पहले इस गाड़ी से मजे ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग चॉप का जो ओरिजिनल वर्जन है जो इसने बनाया है वो भी देख लेंगे। वैसे क्या वो इससे घटिया है क्या? छोटे भाई बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा, देख के मेरे को रोना आ गया भाई, मैं अच्छा मैकेनिक नहीं हूँ भाई। अरे कोई नहीं छोटे यार, तू इतना टेंशन क्यों लेता, अपन लोग सब मस्ती करने आए हैं ना गाइस। वैसे कमेंट में बताना आपको कौन सा पसंद आया, और ये वाला नहीं भाई, ये चीटिंग का माल है ठीक है, ये चीटिंग अपन लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ओरिजिनल वाला बताना कौन सा अच्छा लगा। लेकिन सच बोलूं तो ये गाड़ी है काफी ज्यादा बढ़िया, ऑल्दो मेरे को लगता है इसमें थोड़े बूस्टर्स वगैरह लगा देने चाहिए थे क्योंकि इसकी टॉप स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी यार सही में गाड़ी काफी ज्यादा ऑसम लग रही है गाइस, मेरे को तो काफी पसंद आया। और आप लोग देख सकते हो यार आग वगैरह के बीच में जंप मारने में भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अफसोस यार काश चॉप तूने ये गाड़ी बनाई होती भाई, मैं तेरे को हर क्राइटेरिया में ना 10 में से 10 देता और ये मैच का भाई क्लियरली तू विनर हो जाता, लेकिन अफसोस गाइस चॉप ने यार चीटिंग किया। चलो कोई बात नहीं चॉप, अब तू अपना क्रिएशन ले आ भाई, सच सच बोल रहा हूँ ये नहीं चलेगा। ऑलराइट फ्रॉस्टी भाई मैं ला रहा हूँ यार, ज्यादा गुस्सा मत करो, रुको निकाल रहा हूँ मैं। ऑलराइट गाइस अब टाइम आ गया है देखने के लिए कि चॉप ने क्या कबाड़ बनाया है, और ये नहीं ये इसको डिलीट करो पहले। फ्रॉस्टी भाई ये है मेरी गाड़ी, देखा देखा कितना फालतू बनाया मैंने। अबे ये क्या बना दिया तूने भाई, केकड़ा लग रहा है ये। अबे भाई क्या है ये, अबे ये तो सीधी भी नहीं चलती भाई। ओ भाई देख रहे हो ये क्या कबाड़ बना दिया तूने, अबे ये तो सीधी भी नहीं चलती ब्रो। फ्रॉस्टी भाई इसीलिए मैं नहीं दिखा रहा था, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। अरे यार इसको तो सही में गाड़ी नहीं बनानी आती भाई। ओ माय गॉड गाइस बहुत ज्यादा फनी लग रहा है ये मेरे को देख करके। भाई कम से कम कुछ तो ढंग का बना देता, ये क्या बना दिया इससे भाई। एक तो ये ढंग से चलती नहीं है गाइस, हर 2 सेकंड पे तो यार ये घुलाटियां मारते रहती है, और भाई इतनी ज्यादा दिक्कत होती है ना इसको चलाने में। ओ भाई दिख रहा बूस्टर मत यूज कर ब्रो, ये क्या हो गया। अरे भाई गाड़ी चिपक गई गाइस, मैं सच बता रहा हूँ ये इतनी गंदी गाड़ी बनाएगी ना इसने, मैं एक दूंगा भाई हर क्राइटेरिया में, मतलब सच बोल रहा हूँ। अभी कहाँ आ गए हम लोग, रुको रुको एक सेकंड गेम अटक गया मेरा। ओ भाई इतना गंदा गाड़ी बनाता है तो रुक भाई, इसको 40 में से गाइस हम लोग 4 नंबर देंगे, ये एकदम डिजर्व नहीं करता है। कमेंट्स में आप लोग जरूर से बताना कि आप लोगों को कौन सी गाड़ी पसंद आई, मेरी या चॉप की, और ओरिजिनल वाली दोनों की ठीक है, ये चॉप की ओरिजिनल वाली है, वो जो है उसने कॉपी की थी भाई। यकीन नहीं हो रहा भाई ये कैसी गाड़ी बना दी तूने यार, मेरे को बोल देता मैं तेरे को कुछ ढंग का दे देता भाई। एनीवेज गाइज आई होप आप लोगों को मजा आया हो, अगर इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है, आई होप आप लोगों को यार इस वीडियो का पार्ट 2 देखना हो, क्योंकि इस गेम में अभी बहुत कुछ है करने को, मैं सच बता रहा हूँ अभी तो शुरुआत है भाई, आगे देखते जाओ हम लोग कितनी औसम चीजें बनाते हैं, और जल्दी हम लोग यार मून पे भी जाएंगे ठीक है हो सके तो। एनीवेज आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लीव अ लाइक सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड सी यू लेटर, बाय बाय।